किस्से की कहानी इस तरह से चलेगी कि बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ है, 1600 राजपूत बैठे हुए हैं, बाकी मुगल पठान बैठे हैं। दरबार के अंदर एक आवाज आती है कि बादशाह सलामत, मुझे 15 रोज की छुट्टी चाहिए। तो बादशाह ने पूछा कि कौन छुट्टी मांग रहा है? पृथ्वी सिंह खड़ा होता है कि बादशाह सलामत, मुझे 15 रोज की छुट्टी चाहिए। क्यों छुट्टी चाहिए? कि बादशाह, हमारे हिंदुओं के अंदर एक त्योहार आ रहा है जिसे करवा चौथ बोलते हैं, और हमारी पतिव्रता औरत बिना पति के दर्शन किए भोजन नहीं किया करती। साथियों, दूसरी तरफ फिर आवाज आई कि बादशाह सलामत, मुझे भी 15 रोज की छुट्टी चाहिए। कि भाई, अब कौन छुट्टी चाहता है? शेर खान पठान खड़ा होता है, कहता है कि बादशाह, मुझे भी छुट्टी चाहिए। अरे शेर खान, तुझे क्यों छुट्टी चाहिए? कि बादशाह, मैं सरसों बो करके आया था और उसमें बाजरे की आड़ लगानी है। बादशाह अकबर कहता है, शेर खान पागल हो गया, सरसों में बाजरे की आड़ लगती है? कि बादशाह, अगर सरसों में बाजरे की आड़ नहीं लगती तो हिंदुओं के अंदर भी पतिव्रता नहीं होती। सरदारों, तलवार खिंच जाती है और दरबार के अंदर बाजी लग जाती है। शेर खान पठान को एक महीने का टाइम दिया गया कि अगर तू इस पृथ्वी सिंह की पत्नी को बदचलन साबित कर देगा तो पृथ्वी सिंह को फांसी होगी, अन्यथा शेर खान तू फांसी पे लटकाया जाएगा। साथियों, एक महीने का टाइम लेकर के शेर खान गढ़ बूंदी पहुंचता है, एक दूती से मिलता है। दूती को कुछ लालच दे करके किरणमयी के महल में दाखिल कर दिया। दूती किरणमयी की महल में पहुंच गई, पृथ्वी सिंह की बुआ बन करके। साथियों, 5-7 रोज रुकी और जब एक दिन किरणमयी नहाने के लिए वस्त्र उतारती है तो बाई जांग पर तिल का निशान देख लिया और दूसरे रोज ही कह दिया कि बेटी, अब मैं अपने घर जाऊंगी। जा करके शेर खान पठान को बताया, पटका और कटारी तोहफे में ले लिए और जा करके शेर खान को दे दिए कि ये सबूत ले और किरणमयी की बाई जांग पर तिल का निशान है। शेर खान खुश होकर के बादशाह अकबर के दरबार में पहुंच गया। जा करके कहा कि बादशाह, मैंने किरणमयी को बदचलन साबित कर दिया। कैसे कर दिया? कि ये लीजिए, एक महीने का टाइम मैं उसके साथ बिता करके आया हूं और ये पटका और कटारी सबूत के तौर पर है। बादशाह अकबर ने कह दिया कि ये कोई ठोस सबूत नहीं। तो साथियों, सबूत बता दिया कि बादशाह, एक सबूत मेरे पास ऐसा भी है जिसे या तो पृथ्वी सिंह जानता है, या किरणमयी की मां जानती है, या खुद किरणमयी जानती है, और या मैं जानता हूं। कौन सा सबूत है? कि बादशाह, किरणमयी की बाई जांग पर तिल का निशान है। साथियों, जैसे ही तिल का निशान बताया तो पृथ्वी सिंह की गर्दन झुक गई। 1600 राजपूत नीची गर्दन करके बैठ गए। किस तरह से शर्मिंदगी महसूस करता है वो छत्री और कैसे रागनी को लिख दिया, आइए बाकी हवाला सुनेंगे रागनी के माध्यम से। न्यू बोलिया रे हंसते सब दरे बारी देखे, हरे पटका और कटारी देखे, हंसते सब तर बारी देखे, पटका और कटारी देखे। घर फेरा होगा आहे भरने लग्या जिगर में,
गुप्ती घाव गहरा हो गया शेराली से जाप अजर की दड़ों का पहरा हो गया शेराली से जाप अजर की दड़ों का पहरा हो गया भाई पहरा हो गया बोलन लागे मुगल काले जा छोलन लागे पहरा हो गया बोलन लागे मुगल काले जा छोलन लागे पापनी बताया करती पहले दर्शन करके मेरा पाछे भोजन खाया करती के बेरा था तारा बनके तू बाली न चाहया करती के बेरा था तारा बनके तू बाली न चाहया करती अरे गाया करती गीत धर्म के कल से फूटे आज भरम के गाया करती गीत धर्म के कल से फूटे आज भरम के बैठ कच्ची धार हिंदू कुल की लाज डुबो दी शेर खां बनाया यार इस ते अच्छा सोती परिया नाड़ मेरी लेती तारे अच्छा सोती परिया नाड़ मेरी लेती तारे और बीच धार में नावे डुबोई आने काने मारे कुल की खोई बीच धार में नावे डुबोई आने काने मारे कुल की खोई पठाने शेरे खा कर क्या मन मानी और आदरणीय चौधरी विजेंद्र बैंसला जी बड़ौली उनकी तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर बार बार धन्यवाद आदरणीय अजीत पाल जी उनकी तरफ से भी 1100 रुपए का पुरस्कार नकुल गुजर सनोप श्री गिरिराज जी
500 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। बाबू सनोप धोम सिंह जी सरपंच साहब उनकी तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार, बार बार धन्यवाद। आदरणीय धनराज जी 10 रुपए देकर सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए अंतिम और चौथी कली में किस तरह से गुरु जी जयकरण जी ने तोड़ किया रागिनी का और निचोड़ किया, सुनेंगे। समझे नहीं ऋषि मुनि करे हैं बड़ाई इनकी, जड़ा के जो मानस गुणी जयकरण सुनावे कथा जैसी पढ़ी और सुनी। जयकरण सुनावे कथा जैसी पढ़ी और सुनी, वही बात बुनी और फेर उधेड़ी राजपूत ने कर के राजपूत ने कर के सब तरे